बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर कलंदर के अलावा कोई फ्रेंचाइज ऐसी नहीं होगी जो PSL सीज़न के आगाज़ से तकरीबन हर साल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट के मेले लगाती रही और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक क्रिकेट का नया टैलेंट ढूंढने के लिए मुहिम जुई करती रही है। और ये सिर्फ लाहौर कलंदर के बस की ही बात थी, कोई और फ्रेंचाइज उनकी कोशिशों के करीब तक ना पहुंच सकी। लेकिन दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त करने वाली टीम भी लाहौर कलंदर ही की रही, जिसकी वजह उनकी पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई 4 सीज़न में इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस रही थी। टीम का कॉम्बिनेशन तब्दील हुआ, कप्तान बदला, हिकमत अमली तब्दील, कोई भी अमल उनके हक़ में नहीं जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। इस नज़रिए के तहत लाहौर कलंदर ने हिम्मत न हारी और उनकी मुसलसिल कोशिशों और मेहनत ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में उन्हें पहली मरतबा चैम्पियन बनवा दिया। लाहौर कलंदर की टीम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के बाद अब सीज़न 8 में टाइटल का दिफा कर रही है। शाहीन आफरीदी की टीम उनकी क़्यादत में मैदान में उतरेगी। लाहौर कलंदर ने PSL सीज़न 8 के ड्राफ्ट से कबल अपने 8 क्रिकेटर्स को बरकरार रखा और बाकी को ड्राफ्टिंग के लिए रिलीज़ कर दिया था। लाहौर कलंदर ने बरकरार रखने वाले खिलाड़ियों में कप्तान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान, नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड विजा, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, मिडल ऑर्डर बैट्समैन कामरान गुलाम, इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रोक और फास्ट बॉलर जमान खान को शामिल किया गया था। लाहौर कलंदर ने ड्राफ्टिंग में प्लैटिनम कैटेगरी में PSL सीज़न 7 के सबसे कामयाब बैट्समैन फ़खर जमान को पिक किया। डायमंड कैटेगरी में ऑलराउंडर हुसैन तलत उनकी टीम का हिस्सा बने। गोल्ड कैटेगरी में जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलराउंडर सिकंदर रजा और इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम डाउसन को मुंतखब किया गया। सिल्वर कैटेगरी में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर मिर्जा ताहिर बेग, अहमद दानियाल और दिलबर हुसैन को लाहौर कलंदर का हिस्सा बनाया गया। इमर्जिंग कैटेगरी में शवाइज़ इरफान को पिक किया गया। लाहौर कलंदर ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जॉर्डन कुक्स और जल्लाद खान को टीम का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतारिक फ्रेंचाइज और सीज़न 8 2023 के दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजर समीन राणा इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे आपको समीन। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ड्राफ्ट में जो पिक आपने किए हैं, जो टीम आपने बनाई है, मुतमईन हैं आप कि इस बार जो सफ़र सीज़न 7 2022 में ख़त्म किया था, सीज़न 23 में वहीं से शुरू करेंगे? जी यही भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जी बिल्कुल, इस दफ़ा टीम हमने सेलेक्ट की है। हमने पिछले साल की लर्निंग थी जहाँ पे हम जीते थे, लेकिन फिर भी जीतने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नज़र आ रही थी जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो उन गैप्स को फिल करने की कोशिश की है। और मेरा ख्याल में ये लाहौर कलंदर की काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है और इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो हमें इंशाल्लाह टूर्नामेंट में काफ़ी फ़ायदा देंगी। और बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है और जहाँ जहाँ हमारे गैप्स थे उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से फिल किया, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस ड्राफ्ट से। सेटिस्फाइड तो होना आपका बनता भी है समीर नाना साहब, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 से पहले जो आपको एक बूस्ट मिला है, जो आपको एक तवानाई मिली है, जो आपको एक इत्मीनान मिला है, वो टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और आपके पिछले सीज़न के टॉप स्कोरर, बैटिंग की बैकबोन फ़खर जमान की फ़िटनेस के हवाले से अच्छी खबर है। और मैं शाहीन से बात कर रहा था, फ़खर से बात कर रहा था, दोनों का कहना यह है कि ऑल इज़ वेल और दोनों पूरा सीज़न खेलेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे कैप्टन जो हैं वो इज़ बैक और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इंजरी से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। और फ़खर जमान जो हमारे बेस्ट बैटर हैं वो भी इंजरी से रिकवर कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह दे बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड और हम भी पूरी तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन देखने के लिए बेताब हैं। तो समीन, इस वक्त जो टीम का खाका बन रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अगर बात करूँ तो आपका बहुत ज़्यादा जो फोकस है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, वो हमें लोकल बॉयज़ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ तो फ़खर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, फिर आपके पास मैं अगर बात करूं तो हुसैन तलत को आपने पिक किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी पिक है। फिर आपके पास सिकंदर रजा आ जाते हैं, डेविड वीज़ हैं। बॉलिंग की अगर मैं तरफ जाऊं तो आपके पास जल्लाद खान को आपने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया है, आपके पास राशिद हैं, आपके पास बॉलिंग में शाहीन हैं, हारिस हैं, दिलबर को आपने रखा है। तो हम बात कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर साहब से,
तो उनका कहना यह था कि कुछ अरसे पहले समीन हमें कहते थे कि नदीम भाई जो आप कर रहे हैं अब हम वो कर रहे हैं, जो हम करते थे वो आप कर रहे हैं। नहीं नदीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस जर्नी में हमने सीखा काफ़ी और कोशिश की कि जो हमारी लर्निंग है उसके मुताबिक दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो यह है कि जो आपको लीग में जो टीमें जीतती हैं उनका जो लोकल टैलेंट होता है, लोकल पूल ऑफ टैलेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फॉरेन प्लेयर देखें बड़े बड़े नाम जो होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, अगर चार किसी और के पास है तो चार हमारे पास भी है। फर्क यहाँ से डलता है कि आपका लोकल टैलेंट कितना अच्छा और कितना स्ट्रांग है और कितना प्रॉपरली जेल्ड है टीम के साथ। तो यही कोशिश हमारी रही और ये बात ठीक है कि नदीम भाई से मैंने ये बात की थी कि जो हम काम करते थे आपको देख के करते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही। शुरू में क्वेटा ने जब परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उन्होंने अपने लोकल जो क्रिकेट क्लब थे उसके लड़कों को प्रेफर किया, हमारा तो कोई लोकल क्लब नहीं था, लेकिन फिर हम चूंकि प्लेयर डेवलपमेंट लाए तो हमने फिर उसको उन्हीं के लड़कों को बैक किया, उस पर काफ़ी तनकीद भी बर्दाश्त की, लेकिन हम उस पर साबित कदम रहे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसकी जो जो मेहनत थी और जो हमारा यकीन था उसका अब फल हमें देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के आगाज़ से कबल ही लाहौर कलंदर को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब सीज़न 7 में उनके कामयाब बैट्समैन इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रोक पूरे सीज़न 8 में लाहौर कलंदर को दस्तयाब नहीं होंगे और उनकी जगह जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर शेन डेड जोएल को मुतबादल के तौर पर मुंतखब किया गया। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान भी लाहौर कलंदर को इब्तदाई मुकाबलों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे और उनकी जगह लाहौर कलंदर ने सैम बेलिंग को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। दीगर रिप्लेसमेंट प्लेयर्स में कलंदर ने इंग्लिश जॉर्डन कॉक्स की जगह श्रीलंका के कौशाल मेंडस को टीम का हिस्सा बनाया है और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि सिकंदर रजा भी शायद पहले तीन मुकाबलों के लिए दस्तयाब नहीं है। तो समीन ने इसको किस तरह देख रहे हैं आपके टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले जिन खिलाड़ियों पर आप बैंक कर रहे थे, हैरी ब्रोक हो गए बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, उसके साथ राशिद एंड सिकंदर नहीं होंगे तो आप प्लान टू पर जा रहे हैं फिर? नहीं देखिए, जहाँ तक हैरी की बात है तो हैरी का तो हमें पहले से पता था, जब पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही थी उस वक्त मेरी हैरी से बात हुई थी इस साल के बारे में, तो हैरी ने मुझे उस वक्त ही बता दिया था कि उनके प्लान्स में जो है वो ये जो विंडो है इसमें वो टेकिंग ब्रेक बिकॉज वो नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आपको पता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है रोटेशन की और वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, तो ये विंडो उनके लिए एक तरह से रेस्ट पीरियड बना था। तो ये उन्होंने मुझे जब वो पाकिस्तान आए हुए थे उस वक्त भी बता दिया था। तो जब हमने उनको सेलेक्ट किया था या रिटेन किया था तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि अब रिटेंशन हम अगले साल के लिए देख रहे थे कि इस रिटेंशन के थ्रू हम अगले साल उनके ऊपर एक राइट होगा हमारा टू रिटेन हिम अगेन। ये हमें पहले से पता था कि वो इस साल नहीं आ रहे, तो इसलिए वो परेशानी की इतनी बात नहीं थी। उनकी एब्सेंस को देखते हुए ही हमने ड्राफ्ट किया था और सारे अपनी चॉइसेस पिक की थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमने बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया था और काफ़ी सारे बैटर्स जो हैं जो प्रॉपर बैटर्स हैं उनको ऐड इन किया था। जहाँ तक राशिद की बात है तो राशिद का 3 मैचेस हैं पहले, ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी है और वो कैप्टन भी हैं अपनी टीम के, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। राशिद को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो हमारी शुरू में टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि टूर्नामेंट जो होते हैं नॉर्मली उनमें आपको लेटर पार्ट में जिसको कहते हैं जो फाइनल काउंटडाउन होता है उसमें आपके सारे रिसोर्सेज इंटैक्ट होने चाहिए। शुरू के पार्ट में यू कैन अफोर्ड टू हैव सम एक्सपेरिमेंट, बट ऑब्वियसली राशिद की कमी जो है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। सिकंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अवेलेबल है, वो 3 मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है, ही विल बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट गेम एज वेल। अच्छा, तो ये कौशाल मेंडस को भी आपने रखा है रिप्लेसमेंट कैटेगरी में श्रीलंका के, और ये भी बड़े वैल्यूएबल प्लेयर हैं, तो इनके हवाले से क्या अपडेट है? ये आपको वेरी फर्स्ट मैच से ज्वाइन कर रहे हैं या ये भी बीच में ही आएंगे? देखिए, इनका जो है हमने एक्चुअली कवर लिया था जॉर्डन कॉक्स का, सैम बिलिंग जो है वो हमें 25 फरवरी से अवेलेबल थे, तो वो हमारा चौथा मैच होता है 26 को, तो हमारी कोशिश थी कि पहले 3 मैचों के लिए हम जॉर्डन कॉक्स का रिप्लेसमेंट ले लें। तो उस कौशाल मेंडिस को शॉर्टलिस्ट किया, वो अवेलेबल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने NOC नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल में नहीं आ पाएंगे। मुझे आज ही बल्कि अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन आई है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इज नॉट अलाउइंग हिम टू कम एंड प्ले इन PSL, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज
मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप टीमें सारी प्लानिंग करती हैं और लास्ट मिनट पे आपको पता लगता है कि वो एनओसी नहीं मिला, तो अगर एनओसी नहीं देना था तो ड्राफ्ट में फिर नाम नहीं होना चाहिए था। लेकिन एनीवे वी हैव टू डील ऑल द चैलेंजेस। बट खुशहाल की जगह अब हमने एक वेस्ट इंडियन बैटर्स हैं और विकेट कीपर हैं, हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया है। आई होप कि उनको कोई चैलेंज ना आए और वो अवेलेबल हो हमारे फर्स्ट गेम से। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8/2023 की दिफाई चैंपियन और पाकिस्तान सुपर लीग की मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राणा वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। समीन, लाहौर कलंदर का जो स्क्वाड है, बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है या फिर आपकी बॉलिंग? देखिए, मैं ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल है डिटरमिन करना कि बैटिंग स्ट्रांग है या बॉलिंग, बिकॉज हमने कोशिश ये की है कि बैलेंस टीम बनाए। ऑब्वियसली बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो आपको हमारे सुपरस्टार्स नज़र आते हैं, राशिद हैं, शहीन हैं, हारिस हैं, जमान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो एक जनरल परसेप्शन बनती है कि हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। बट मैं समझता हूँ कि हमारी बैटिंग भी इक्वली स्ट्रांग है। फ़खर जमान को आप ले लें, आप अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम, ये दो ऐसी ऐसे प्लेयर हैं कि लास्ट ईयर ये पहला सीजन खेल रहे थे, और आपको पता है पहले सीजन में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं प्लेयर्स के ऊपर, अनसर्टिनिटी होती है, अपने रोल में थोड़ा सा आने में टाइम लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम जब हमारे साथ सेकंड सीजन खेलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी सीनियर एंड प्रो हुसैन तलत, तो ये जो बैटिंग लाइन है ये भी काफ़ी लोगों को सरप्राइज करेगी, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो बॉलिंग तो है ही थी, लेकिन बैटिंग के अंदर हमने अपने डेप्थ भी क्रिएट की है। डेविड बीजे और लियम डॉसन, सिकंदर्स, ये ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी उतनी अच्छी करते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में लाहौर के पास जो एडवांटेज मुझे लगता है बैटिंग बॉलिंग की बजाय ऑलराउंडर्स का है, जो हमारे मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स हैं और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में है, वो इस टीम के जो गैप्स होंगे उसको मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम वर्कलोड की बात करते हैं समीन राणा साहब, और डेफिनेटली आप के स्टार हैं हारिस रऊफ, आपकी फाइंड हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन इस बार दिलबर भी आपके साथ हैं, जल्लाद खान हैं जो तीसरे आपके फास्ट बॉलर हैं, जमान खान दिलबर हैं, तो जमान है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जिस तरह आपने कहा कि हमारे इब्तदाई मैचों में सिकंदर और राशिद नहीं होंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि इब्तदाई मैचों में हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर लें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ प्लान है कि थोड़ा ज़्यादा जो फोकस है वो आप दिलबर पर रखें, थोड़ा आराम कराएं आखिरी क्रंच मैचों के लिए फुल थ्रॉटल के साथ शाहीन, और शाहीन तो खेलेंगे क्योंकि वो कप्तान है, कि हारिस को थोड़ा आराम कराएं? देखिए, पहले तो सिकंदर जो है वो अवेलेबल है फुली, तो वो पहले तीन मैचों के लिए भी अवेलेबल होंगे, राशिद नहीं है, तो ये मैं तस्दीक कर दूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अच्छा, अब वर्कलोड मैनेजमेंट, शहीन के बारे में अक्सर लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मुझे याद है अभी वर्ल्ड कप से पहले जब उनकी इंजरी थी तो आकिब भाई का एक स्टेटमेंट था कि उनको वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, जिसपे काफ़ी ज़्यादा ले दे भी हुई और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप फ्रेंचाइज में ना खिलाएं। ठीक है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। आज शहीन को मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने अपना रीहैब कंप्लीट कर लिया, अगर आज भी आप उनको रेस्ट करवाएंगे तो वो उनके लिए शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो। ऑब्वियसली उनकी जो रिकवरी को देखते हुए हम इसको मैनेज करेंगे कि जहाँ उनकी बॉडी पे ज़्यादा लोड आ रहा हुआ उनको बिल्कुल ब्रेक देंगे, लेकिन जो आप अगर देखें ये क्रिकेट की साइंस देखें तो उसमें आपको बेसिकली जब आप इंजरी से कम बैक करते हैं तो आपको मैचेस की ज़रूरत होती है बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग फॉर योर नेशनल टीम, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कम बैक टू द रिदम। सो मुझे इसलिए ये इस बात में बहुत क्लैरिटी है। जहाँ तक हारिस की बात है, हारिस की भी अभी एक रिसेंटली इंजरी हुई टेस्ट मैच जब वो खेले, उसके बाद भी उनको एक ब्रेक मिला है जिसके बाद उन्होंने अपने आप को रिहैब किया है, रिकवर किया है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी फॉर्म और फिटनेस को वापस लाने के लिए थोड़ी सी क्रिकेट खेलें ताकि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तानी टीम को बेहतर सर्व कर सकें। थिंक टैंक का पार्ट है लाहौर कलंदर की आप, और ड्रेसिंग रूम में आप मौजूद होते हैं, डैग आउट में आप मौजूद होते हैं बतौर मैनेजर, तो समीन अपनी टीम की स्ट्रेंथ, अपनी टीम की वीकनेस आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, लेकिन जो बाकी पांच टीम है, पेशावर जलमी, क्वेटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, उनको भी तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे होंगे ना, उनके ऊपर भी निगाह होगी, उनके ऊपर भी काम कर रहे होंगे, तो क्या ख्याल है आपको, क्या लग रहा है कि कलंदर को टफ टाइम कौन सी टीम देने वाली है?
देखिए बिल्कुल आपने सही बात की, हमारी जो बाकी ओपोनेंट टीमें हैं हम उनके बारे में भी उतना ही सोचते हैं जितना अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो क्रिकेट अच्छी होती है वो इस वजह से ही होती है कि सारी टीमें ऑलमोस्ट एट पार हैं, 19-20 का फर्क होगा बट एक से बढ़ के एक टीम बनाई गई है, जो कि बहुत अच्छी और खुशाइन बात है, जिस इसकी वजह से एक्चुअली क्रिकेट बेहतर होती है। तो ये कहना कि एक टीम ज़्यादा फेवरेट है मेरे ख्याल में इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सबने अच्छी टीम बनाई है और पेपर्स के ऊपर अगर आप देखें ऑन पेपर कोई भी टीम ऐसी मुझे नज़र नहीं आती कि जो ऑब्वियसली वीक हो, ऐसा कोई भी टीम में नहीं है। और हम किसी भी टीम को किसी भी खुशफहमी का शिकार नहीं है कि हमने चूंकि चैंपियन है तो लिहाजा ये हमारे लिए वॉक इन द पार्क होगा, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हमें अपनी खामियों का भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, हमें अपनी स्ट्रेंथ का भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। हमारी कोशिश है कि हम किसी भी टीम को प्री सेट माइंड के साथ ना लें, हम उनको उनकी स्ट्रेंथ और उनकी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ खेलें। देखिए आपको PSL में टीमों को हराने के लिए यू हैव टू बी कंपेटिटिव एंड टफ एंड प्ले योर ए गेम टू बीट एनी टीम, क्योंकि सारी टीमें जो हैं वो बराबर हैं, कोई इनमें से एक फेवरेट नहीं है। तो समीन, कोविड के प्रोटोकॉल, कोविड की वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, अब सारी जंजीरों से आज़ाद होकर आप पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 2023 को? आई थिंक ये एक पॉजिटिव और अच्छी बात है। फाइनली देखें कोविड में टाइम जो हमने गुजारा पिछले 2-3 साल में वो बहुत ज़्यादा टफ था प्लेयर्स के लिए, और मैनेजमेंट सपोर्ट स्टाफ जो बबल के अंदर होते थे वो बड़ा इनह्यूमन किस्म का इन्वायरमेंट था। आप 7 दिन के लिए कमरे में बंद हो जाते थे, खाना आपका बाहर रख दिया जाता था, इट्स जस्ट लाइक अ प्रिजन। लेकिन थैंक गॉड और अगेन थैंक्स टू ऑल द प्लेयर्स और सुपर स्टार्स जिन्होंने इसको अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट समझते हुए इन सारी तकलीफ़ों को ना सिर्फ कंधा पेशाने से बर्दाश्त किया बल्कि अपना 100% ग्राउंड में दिया। तो अब तो टाइम ऐसा आ गया जो कि इंजॉय करने का है अपनी क्रिकेट को, क्योंकि अब हम उन पाबंदियों से बाहर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी कोविड के जो केसेज हैं वो काफ़ी कम है और वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। तो अब तो मुझे लगता है कि PSL 8 इज़ गोना बी द बेस्ट एवर सीजन PSL हैज सीन। Absolutely, no doubt about that. But समीर ने सवाल ये है, आपने कहा कि सारी पाबंदियाँ खत्म हो गई हैं लेकिन लोगों को डॉलर की ऊंची उड़ान पाबंद कर रही है, उनको सुकेड़ रही है, उनको पकड़ रही है कि भाई वो टिकट कैसे खरीदेंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो टीवी की स्क्रीन पर बैठकर मैच देखें या ग्राउंड में जाएं, वो डबल माइंड हो गए हैं। लेकिन जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला है वो कहता है यार साल में एक दफ़ा आता है PSL तो थोड़े पैसे खर्च कर लेते हैं। तो कुछ वो कहते हैं ना कि ज़बान कल को नकारा है खुदा जानो, तो लोग थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं। आपका जो सबसे सस्ते से सस्ता टिकट है वो 650 रुपये का है, महंगे से महंगा टिकट जो है वो 15,000 का है। अगर आप बॉक्स ख़रीदने जा रहे हैं, थोड़े से पैसे हैं जेब में, तो मामला 12 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आपका मेला, आपका शो, पब्लिक मुकम्मल तौर पर ग्राउंड में आकर इन्जॉय करें। नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली ये इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा टफ हैं और ये दोनों तरफ हैं। आप देखें कि जो फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए भी जो कॉस्ट ऑफ प्लेयर्स है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डॉलर्स में पे होती है। अब जो डॉलर्स में पे होती है तो जो इम्पैक्ट आम आदमी को हो रहा है, इवन हमारी तो फीस भी डॉलर में जाती थी, अब चले पैक हो गया लेकिन फिर भी वो डॉलर का इम्पैक्ट था। तो वो जो सारा बर्डन है वो फ्रेंचाइजी के ऊपर है। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज सच उसमें कोई कंट्रीब्यूट इस लिहाज से नहीं करता कि वो फीस वगैरह हम देते हैं, कॉस्ट मेजर हम लेते हैं, उन्होंने डॉलर पैक किया है विच इज़ ग्रेट, जो कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेकिन फैंस के हवाले से मैं कहूँगा कि हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए और हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। आतिफ राना से आप उस दिन बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो तो आपको पता है कि हमेशा वो फैंस के लिए सोचते हैं और उन्होंने इसी वजह से एक स्टैंड जो है वो पूरा लाहौर कलंदर के लिए लिया है फैंस के लिए। तो हम प्रोग्राम लेके आएंगे जहाँ पे हम अपने फैंस को गिफ्ट भी करेंगे, उनको मुख्तलिफ क्वेश्चंस करके उनको एंगेज करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जा सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो नो स्पॉन्सर्स हैं या जो बाकी फ्रेंचाइजीज हैं वो भी इस मौके पर आगे बढ़ें और फैंस जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको महरूम ना करें, उनको कोई ऐसे मौके प्रोवाइड करें जहाँ पे वो एंगेज हो सकें। देखें अगर एक स्टेडियम में एक एक जो डगआउट है या एक स्टैंड जो है वो लाहौर ले लेता है, कराची, इस्लामाबाद, तो
तो इस तरह हम कुछ परसेंटेज अपने फैंस को गिफ्ट कर सकते हैं, तो काफी एक बर्डन ईज हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ इस तरह की स्कीम सोच सकता है जहां पे वो टिकट खरीद के अपने जो हैं स्टेक होल्डर्स या फैंस हैं उनको एंगेज भी करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करें। तो हम सबको मिल के इस चैलेंज का मुकाबला करना है और ये चैलेंज सबके लिए है। चैलेंज, दैट्स वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका। समीर नाना साहब, मैनेजर लाहौर कलंदर, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे कलंदर फ़ैन को जो कि मुंतज़र हैं पाकिस्तान सुपर लीग के और अपनी टीम को एक्शन में देखना चाहते हैं? मेरा उनसे पैगाम यही है कि देखें, आपने इस टीम को उस वक्त सपोर्ट किया जब सबने आपको जो था वो इस परफॉर्मेंस की वजह से आप सबको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा, फैंस खड़े रहे, साबित कदम रहे। हमारा भी गाना भी आ रहा है इंशाल्लाह, कल उसकी लॉन्च है और उसमें भी ये चीज़ आप देखेंगे कि हमने एड्रेस की है कि जो हमारे फैंस हैं उनके लिए स्पेशल उसमें मेंशन है कि किस तरह से वो लाहौर के साथ खड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएगा और नया डिज़ाइन किट का भी कल लॉन्च हो रहा है, मैं वो भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। और सबसे बढ़ के अपनी टीम पर भरोसा रखें, इस टीम ने आपको अगेंस्ट ऑल खुशियां दी और इंशाल्लाह ये कैपेबल है दोबारा हिस्ट्री रिपीट करने की और पहली पाकिस्तान सुपर लीग की टीम बनने की जो अपने टाइटल का डिफेंड करेगी। बहुत शुक्रिया समीर नाना साहब, मैनेजर लाहौर कलंदर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। और यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याविसानी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।